उत्तराखंड में बारिश तबाही बनकर बरस रही है। आलम यह है कि डोईवाला के बुल्लावाला गांव में बारिश ग्रामीणों के लिए तबाही लेकर आई। बरसाती नालों का पानी घरों में घुस गया है और किसानों की धान गन्ने की फसल तबाह हो गई है। कई मकान पानी के जद में हैं जिनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनकी आय का स्रोत पूरी तरह बंद हो गए हैं। वहीं पीड़ितों ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। लगातार जो बारिश हो रही है इससे हमारे राजा जी राष्ट्रीय पार्क का जो पानी है ये हमारे आबादी क्षेत्र में घुस रहा है और यह जो नाला है इसमें इस बार बहुत ज़्यादा पानी आया है और प्रशासन द्वारा भी दो बार इसको बंद करवाया गया पर लेकिन पानी इतना होता है कि जगह जगह टूटता है और आबादी में घुसता है। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों को भी इसमें मिसगाइड किया गया और पानी जो है पानी का रूट ही कन्वर्ट कर दिया गया जिससे कि पानी पूरे गाँव में घुस गया और आज जो है हमारी जो मेन बुल्लावाला को डोईवाला से जोड़ती है जो रोड वो रोड भी आधी क्षतिग्रस्त हो गई। तो मौके पे जे साहब को बुलाया गया पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने मौके को देखा। नुकसान है हमारे क्या सभी का नुकसान हो रखा, सारी के खेत गए वाला मकान भी जा रहा वो भी जा रहा, हमारा तो गया गया पहले से भी गया था, फिर दोबारा आया पानी फिर भी गया। पिछली बार आए थे जिस भी चल रहे थे लेकिन SDM ने बंद करवा दी, बोला कि नहीं ये लोग बोल रहे हैं SDM और बोल रहे हैं कि जैसा है वैसे रहने दो, आपदा वाला क्षेत्र है इसका कुछ नहीं होगा, ना कुछ मदद हो रही ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कारण जो है जगह जगह पानी घुस गया है, घरों को भी बहुत नुकसान हुआ है और सामने यहाँ पे भारद्वाज जी का मकान है उसमें भी पानी घुस गया है और पीछे की दीवार का हिस्सा टूट गया है और प्रशासन ने एक दो बार उसमें कच्ची सुरक्षा दीवार भी बनाई पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई कार्रवाई की जाए।